हाय फ्रेंड्स, हमारे पेशेंट हैं, उनका गायनेकोमास्टिक ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट भी कराया था। तो मेरी टीम ने उनका एक वीडियो लिया है, उनकी थॉट्स, उनके वर्ड्स कि उन्होंने ट्रीटमेंट्स कराए, उनको कैसा लगा, आज उनका क्या एक्सपीरियंस है, तो चलिए देखते हैं। कॉस्मेटिक से वो करवाया था हेयर ट्रांसप्लांट, अभी ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गए हैं और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। तो मैं सबको कहना चाहूँगा कि आप डिवाइन कॉस्मेटिक्स से ही अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराएं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि कराने से पहले मैंने काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करी। फॉर एग्जाम्पल, हेयर फॉल मेरा रेगुलर हो रहा था और मैं कई क्लिनिक्स में गया, कई जगह गया, डॉक्टर से मिला, किसी ने मुझे कोई दवाई रिकमेंड की, किसी ने ऑयल रिकमेंड किया, इवन मैंने रामदेव वाले पतंजलि के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी यूज़ करा, कोशिश करा कि उससे भी कुछ बेनिफिट हो जाए, ऑयल यूज़ करा, दवाइयाँ खाई। ऑलमोस्ट 6 to 7 months तक मैंने, ऑलमोस्ट 1 ईयर मैंने पूरा अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करा कि शायद वो हेयर फॉल रुक जाए शायद, और देखा धीरे धीरे काफ़ी सारे गैप्स बन रहे थे हेयर में। सो उनको मैं देख रहा था कि दिन पे दिन हेयर फॉल हो रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। फिर एक दिन मुझे वीडियो मिला यूट्यूब पे और उसमें डॉक्टर अमित ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था कि कैसे आप अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर आप सर्जरी कराना चाहते हैं तो उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, और मतलब काफ़ी मुझे उन्होंने उसमें इन्फॉर्मेशन मिल गई। सो इसलिए मैं आया डिवाइन कॉस्मेटिक्स में और 3 मंथ्स पहले मैंने अपनी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कराई। इनिशियली जिस दिन मैंने कराई थी उस दिन थोड़ी सी मुझे दिक्कत हुई, क्योंकि ऑलमोस्ट 8 आवर्स का प्रोसीजर है, 7 to 8 आवर्स का। बट एक दिन की दिक्कत है, उसके बाद जब आप घर जाएंगे आपको कम से कम 15 डेज तक कोशिश करिएगा कि घर से बाहर ना जाएं। 15 डेज तक आपको या तो कैप लगा के जा सकते हैं, थोड़ा नॉर्मल आप सारे बाकी काम कर सकते हैं, अपने ऑफिस का वर्क कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से खाना पीना सब कुछ बढ़िया। ओनली कंसर्न इज जब आप सोते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि पोस्चर आपका सही होना चाहिए सोते समय, और क्योंकि जो प्लांटेड हेयर होते हैं वो बहुत डेलिकेट होते हैं, वो निकल सकते हैं। इनिशियली आपको कोशिश करना पड़ेगा अपने आप को थोड़ा लाइफस्टाइल को मेंटेन करने का। सो मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी अपनी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कराना चाहता है एक बार डॉक्टर अमित से राय ज़रूर ले लें, ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए, आपका हेयर ट्रांसप्लांट बहुत स्मूथ रहेगा। बहुत जगह भी आप देखते होंगे कि अलग अलग लोग अलग अलग बातें कहते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मुझे जो रिजल्ट्स मिले हैं वो मेरे को सेटिस्फैक्टरी हैं, बिल्कुल मेरे लिए बिल्कुल सही रिजल्ट्स मिले हैं। और आने वाले 6 मंथ्स के अंदर आई बिलीव पूरा पूरा जो जहाँ जो जो चीज़ें अभी बची हुई हैं वो पूरा एकदम हेयर कवर हो जाएगा। अभी ही मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिख रहे हैं, अभी मुझे लग भी नहीं रहा कि मेरा कहीं हेयर फॉल था या कहीं पर कोई दिक्कत थी, अभी से मुझे बहुत 3 मंथ्स के बाद ही मुझे काफ़ी इफेक्ट अच्छा लग रहा है। सो आने वाले टाइम में भी आई बिलीव कि 6 मंथ्स के अंदर पूरा मेरा जो हेयर है पूरा भर जाएगा और या मेरी पूरी लाइफ बदल जाएगी। 3 मंथ्स पहले जब मेरा बालों जब मेरे जो हेयर फॉल हो रहा था बहुत तेजी से, प्लस मेरे जो काफ़ी सारे गैप्स बन गए थे बालों में, तो उस टाइम मतलब मैं मैरिज के लिए जा रहा था, मिल रहा था लोगों से, सो उनको ऐसा लग रहा था कि मेरी एज काफ़ी ज़्यादा है, मतलब एज मेरी अराउंड मेरी एज 30 है, बट उनको ऐसा लग रहा था कि मेरी एज काफ़ी ज़्यादा है, मैं अपनी एज से ज़्यादा लग रहा था। सो जब आप हेयर ट्रांसप्लांट करा लेंगे और जब आपके बाल पूरे आ जाएंगे तो इट मेक्स अराउंड 5 to 6 ईयर का डिफरेंस पूरा एटलीस्ट लगता है। तो ये चीज़ मैंने चेंजेस देखे, और आई बिलीव कि जो जो लोग कराएंगे उनको अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे, जैसे मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। आप रेगुलर PRP भी कराएं इसके बाद, जैसे हर 3 मंथ्स के बाद मैं एडवांस PRP जो होता है वो कराता हूँ, GFC वाला, सो उससे भी काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो बाकी जो बाल हैं हम आपके बचे रहते हैं, और
ट्रांसप्लांट से आपके पूरा मतलब जो जहाँ जहाँ पे गैप्स थे वो सब भर जाते हैं। सो ओवरऑल एक बहुत अच्छी सी लुक आ जाती है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डिवाइन कॉस्मेटिक्स में एक बार ट्राई करें और यहाँ पे डॉक्टर अमित से मिलें। अगर आप यहाँ नहीं कराना चाहते तो ऐसा नहीं है कि और लोकेशंस नहीं, आप कहीं भी जाके ट्राई कर सकते हैं। बस आपको ये चेक करना होगा कि वो सर्जन का एक्सपीरियंस कितना है, कितने ईयर्स से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनकी टीम कैसी है। आप जानने की कोशिश करें ज़्यादा कि उस जहाँ पे भी चाहे क्लिनिक है चाहे हॉस्पिटल है, वहाँ के डॉक्टर को कितना एक्सपीरियंस है, कितने एक्सपर्टीज़ है और टीम कैसी है। प्लस और बाकी आप सलाह तो यहाँ से एटलीस्ट सलाह तो डॉक्टर से ले सकते हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप एटलीस्ट सेकेंड एडवाइस लें, दो तीन डॉक्टर से मिलें, तब आप किसी कंक्लूजन पे पहुँचें कि आपको कराना है या नहीं कराना है। क्योंकि इसके अंदर भी अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट्स होते हैं, सबका अपना अपना हेयर का अलग सिस्टम होता है। आप टीम ऑफ एक्सपर्ट से मिल सकते हैं अलग अलग हॉस्पिटल में, या फिर आप डॉक्टर अमित से भी डायरेक्टली मिल सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं जानने का कि क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बहुत मेजर प्रॉब्लम से मैं गुजर रहा था काफ़ी सालों से। इसको बीमारी नहीं बोलेंगे, ये एक तरह की मेडिकल कंडीशन है, इसको बोलते हैं गायनोकमस्टिया। और मुझे पता ही नहीं था कि मुझे ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन है। पहले मैं सोचता था कि ये सब नॉर्मल है, ये वर्कआउट करेंगे, जिम करेंगे, जिम जाएंगे, वर्कआउट करेंगे, उससे हो जाएगा। काफ़ी सालों तक मैंने वर्कआउट किया और तब भी ये प्रॉब्लम दूर नहीं हुई। आई वॉज जस्ट कंसर्न कि क्या हो रहा है, ये फैट कहाँ से आ रहा है अपने, मतलब मुझे कोई मुझे कह रहा है कि तुमने जो प्रोटीन्स खाते हो, जो भी तुम डाइट लेते हो उसकी वजह से हो रहा है, तो मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने नेट पे सर्च करने की कोशिश करी कि मुझे क्या हो रहा है, तो मुझे पता लगा कि आई थिंक आई हैव मेडिकल कंडीशन गायनोकोमस्टिया। मैं कन्फर्म नहीं था बट मैंने जब हम डॉक्टर अमित की वीडियो देखी तो मुझे लगा कि एक बार मुझे जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ क्लिनिक पे विजिट करा और क्लिनिक पे विजिट करने के बाद उन्होंने मुझे पता लगा कि मेरे को ग्रेड 2 का गायनोकोमस्टिया है। और इसके लिए काफ़ी सारे टेस्ट वेस्ट हुए मेरे, मैंने अपना पूरा ब्लड टेस्ट और जितने भी इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं वो मैंने कराए। और उसके बाद एक पर्टिकुलर डे पे मैंने अपनी सर्जरी कराई। सर्जरी के बाद ऑलमोस्ट मुझसे मतलब आप एक नॉर्मल आपकी नॉर्मल लाइफ होने में एटलीस्ट 10 to 15 days तो आपको लगेंगे, क्योंकि आपको कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए। आप ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते, गाड़ी तो आप बिल्कुल ना चलाएं और ड्राइविंग बाइक ड्राइविंग बिल्कुल ना करें ऐसे टाइम पे, और कंप्लीट बेड रेस्ट लें जैसा डॉक्टर अमित कहें, उस गाइडेंस को फॉलो करें अच्छे से ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। बिकॉज वो टाइम बहुत क्रूशल होता है जिस टाइम पे वो रिकवरी मोड में होता है। और मेरे हिसाब से किसी को ये प्रॉब्लम है, हेजिटेशन ना दिखाएं, सीधे डॉक्टर से मिले, कंसल्ट करें। अगर आप किसी और डॉक्टर पे भी जाना चाहते हैं, कहीं और भी जाना चाहते हैं, उनसे एक बार सलाह ले सकते हैं, सलाह लेने में कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि फैमिली इसमें कई बार सपोर्ट नहीं करती है, एंड मेरे केस में भी यही था। फैमिली को मैंने बताया तो उन्होंने कहा ये कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। बट मुझे तो नॉर्मल नहीं लग रहा था, सो दैट्स वाई मैंने डॉक्टर से रिकमेंड किया और वीडियो कॉल पे मैंने डॉक्टर अमित से बात कराई, अपने फैमिली वालों की भी बात कराई। तो उन्होंने कहा नहीं ये प्रॉब्लम है, और थोड़ा उन्होंने फैमिली को समझाया कि नहीं एक्चुअली में कंडीशन है, आपको करा लेना चाहिए इसका ट्रीटमेंट। सो फाइनली जब सर्जरी हो गई और आज ऑलमोस्ट 4 months हो गए हैं, 4 months के बाद मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, छोटे मोटे वैसे तो कोई मेजर कोई भी दाग नहीं है, कुछ नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें होते हैं वो टाइम के साथ बिल्कुल रिकवर होती जाती हैं डे बाय डे डे बाय डे। आप 4 months 5 months के बाद देखेंगे कि बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाएगा और बिल्कुल एकदम क्लीन प्लेन क्लियर हो गया सब कुछ, प्लेन चेस्ट हो गई है बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डिवाइन कॉस्मेटिक्स में विजिट करें, यहाँ से सर्जरी कराएं और आई थिंक आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे जैसे मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। आप डॉक्टर अमित से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हाँ आप आगे सोच सकते हैं इसके बारे में। जब मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा था गायनोकोमस्टिया की, मुझे तो आइडिया नहीं था कि ये प्रॉब्लम है। मैं टी शर्ट नहीं पहन सकता था, स्विमिंग पूल्स में जब सोचता था कि जाऊं तो मुझे ना हेजिटेशन होती थी, मुझे लगता था कि मैं जाऊं ना जाऊं। मैं इवन स्विमिंग अगर मैं पूल में जाता था, कहीं पे ट्रिप पे जाता था, तो मैं टी शर्ट पहन के ही पूल में जाता था बिकॉज आई वॉज वेरी कंसर्न
क्योंकि एज अ गाय, एक आदमी के लिए ये बहुत ज़्यादा शर्म की बात होती है कि उसके मैन बूब्स हैं, कुछ भी ऐसी पफी निपल है, ऐसी चीज़ें हैं, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इवन कोई बोलेगा नहीं, सामने कोई मुंह पे नहीं बोलता कई बार, बट आपको अंदर से पता होता है कि इट्स नॉट दैट गुड, सब कुछ ठीक नहीं है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीवन वांट्स टू लुक गुड, राइट? और उसका इसका कोई और ऐसा तो नहीं है कि ये जिम करेंगे, कुछ करेंगे, फैट कम हो जाएगा, ये क्योंकि ये मैन बूब्स नहीं है, ये कुछ और ही चीज़ हो जाती है, ये कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन है, ये बीमारी भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके बिना आप रह नहीं सकते, लेकिन हाँ, आपको जो फेस करना पड़ेगा डे टू डे बेसिस पे, उसका आपको खुद अपने आप पता लग जाएगा कि क्या चल रहा है। तो आप ये मेरे हिसाब से एक डॉक्टर से रिकमेंडेशन लें, एक बार डॉक्टर को दिखाएं कि एक्चुअली में आपको गायनोकोमास्टिया है या नहीं है, और है तो किस ग्रेड का है, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। सो मैं रिकमेंड करता हूँ डॉक्टर अमित को, आई थिंक ये मेरे लिए लाइफ चेंजिंग रहा है। अब तक जो मैंने 4 मंथ्स के अंदर जो देखा है, बहुत लाइफ चेंजिंग रहा है। मैं आराम से अब कंफर्टेबली होकर अपने हिसाब से टी शर्ट्स पहन सकता हूँ, आराम से फ्रीली मैं स्विमिंग पूल में जा सकता हूँ, मुझे कोई हेजिटेशन नहीं होती। सो टाइम लगता है, 2-3 मंथ्स का टाइम लगता है, लेकिन हाँ, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है लॉन्ग टर्म में।